वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक मिनट, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो काम करने के बाद मिलता हूँ। एक सेकेंड, मुझे चेक करना पड़ेगा। 8:30, 8:37। तो डिनर कर लिया है, मैंने स्वीडिश भी खा ली थी बेसिकली अपनी। पर ये क्या है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें टोमेटो, थोड़ा सा कांदा उर्फ ऑनियन, चने सेंगदाने और ग्राउंड नट्स, और ये ऊपर क्या है इसके। तो ठीक है, टेस्ट करते हैं। मैंने थोड़ा बेड पे गिरा दिया, तो मुझे वो साफ करना पड़ेगा। तो फिर मिलता हूँ आपको कल सुबह। हाँ, कल रात से हो गई, आज शाम कितने बज रहे हैं? 4:45 बज रहे हैं। तो अभी अभी नहाया मैं 4 बजे। तो आज मतलब वीडियो स्टार्ट किया है, तो फिर कुछ टॉपिक तो होना चाहिए ना। तो कैमरा रख दिया। तो आज है मेरे पास कॉफ़ी। तो मतलब आज हम कॉफ़ी पे वीडियो नहीं बनाएंगे वैसे, पर कॉफ़ी और चाय नहारा था तो आइडिया आया। पर हेल्दी कौन सा है? तो बेसिकली हेल्दी तो दोनों भी नहीं है, पर फिर भी अभी कंपैरिजन करें तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, मतलब कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा। तो बेसिकली समझे, पहले कॉफ़ी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कॉफ़ी अगर पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। क्यों वो ऐसा होता है? इसमें होता है कैफीन कंटेंट, यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है। कहाँ पे लिखा होता है? अरे 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 अरे, रात से हो गई है, आज शाम बज रहे हैं 5:50, 5:50 नहीं, 4:50 बज रहे। तो अभी मेरे पास यार वीडियो स्टार्ट किया तो कुछ टॉपिक तो होना चाहिए ना। तो ये है मेरे पास कॉफ़ी। तो बेसिकली कॉफ़ी पे हम लोग वीडियो नहीं बना रहे अभी, हम लोग बना रहे हैं कंपैरिजन करने वाले हैं अभी, चाय अच्छी है या कॉफ़ी, मतलब कंपैरिजन में कौन सा अच्छा है। वैसे तो दोनों ही अनहेल्दी हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कभी कॉफ़ी पीते हो तो आपको नींद नहीं आती, वो क्यों होता है? वो बेसिकली एक ही चीज़ के वजह से होता है कि इस कॉफ़ी में होता है कैफीन कंटेंट। तो वो कैफीन कंटेंट के वजह से नींद आती नहीं है। तो वैसे ही अगर चाय में देखा जाए तो चाय में कैफीन कंटेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लिखा तो नहीं होता बेसिकली। तो यहाँ पे इसमें अगर हेल्थ के बारे में क्या है, तो बेसिकली ये तो सीधे सीधे इसमें सिर्फ कैफीन पर है। और बात करें तो मिल्क हम यूज़ करते हैं इसमें, तो वही एक हेल्दी चीज़ है कि मिल्क। तो और अभी आए हम चाय के बारे में, तो ना ही उसमें कैफीन होता है, ना ही उससे आपकी नींद चली जाती है। वो डिपेंड करता है, किसी एक बंदे को ऐसा होता होगा, तो फिर मुझे तो ऐसा नहीं होता है, मुझे तो उल्टा नींद आ जाती है। तो ठीक है, वो अलग टॉपिक पे चले गए अभी हम। पर तो हाँ, तो फिर अभी हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, तो दूसरी बात है चाय की, कि उसमें हेल्थ से तो हम उसमें अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, जिसकी भी मतलब कैफीन से तो अच्छा ही है। तो उसमें मिल्क भी उसमें होता ही है, और कभी मन कर तो हम लोग उसमें गार्लिक नहीं डालते, जिंजर भी डाल देते हैं, अदरक। तो मतलब अगर कंपैरिजन करें तो हेल्थ वाइज तो मतलब चाय ज़्यादा अच्छी है। पर अगर टेस्ट की बात करें और मेकिंग प्रोसीजर की बात करें, तो मेकिंग प्रोसीजर तो भाई कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब ये एक अच्छी बात है कि आप कहीं भी कभी भी इसको जल्दी से बना के पी सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बॉयल होने के लिए कुछ नहीं होता। मतलब चाय को कैसे हमें गर्म करना पड़ता है, फिर दूध, फिर लंबा प्रोसीजर होता है बेसिकली। और उसमें जो पाउडर है वो भी घुलनी पड़ती है अच्छे से, घुलनी मतलब बॉइल होनी पड़ती है, घुलती तो है नहीं वो। तो
हाँ तो उसके बाद अगर टेस्ट की बात करें तो भाई आपको अगर कॉफ़ी की टेस्ट पसंद होगी तो मतलब वो बंदों पे डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है। मैं तो जो मैंने पी लेता हूँ, पर अगर बात करें तो फिर क्योंकि मुझे यार हमारा मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करना पड़ता है तो टेस्ट में तो मुझे 101% यार चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, पर अदरक वाली उसमें भी मेरे कुछ ऑब्जेक्शन है। सिर्फ अदरक वाली चाय मुझे पसंद है, बाकी यार मैं नहीं पीता चाय। तो नेस्कैफे की कॉफ़ी या ब्रू की इंस्टेंट कॉफ़ी यार बेस्ट है, मतलब कभी भी मतलब मैं थोड़े से भी टाइम में उसको बना के पी सकता हूँ। ये था हमारा आज का कंपैरिजन। अगर ऐसी और कंपैरिजन वीडियोस चाहिए ना तो एक काम करेंगे, अगर आप अब अगर अगला जो टॉपिक बोलोगे ना कंपेयर करने के लिए हम कमेंट्स में बता देना, मैं थोड़ी सी उस पर रिसर्च कर लूँगा और फिर हम कर लेंगे वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो में। उम्मीद एक और उम्मीद करता हूँ यार कि यार आपके डाउट्स दूर हो गए होंगे कि हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है। तो चाय जीत गई इसमें, हेल्थ के इसमें चाय जीत गई, और टेस्ट और मेकिंग प्रोसीजर की वजह से कॉफ़ी इज द विनर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉफ़ी पीना छोड़ दो या चाय पीना छोड़ दो, पर बस मैं इतना कह रहा हूँ, मैं बस कंपेयर करने आया हूँ बेसिकली। हाँ पर अगर एक और अनहेल्दी चीज़ होती है, अगर कोई कोई लोग ना समझो एक बार चाय की वो पत्ती होती है ना चाय पत्ती वो उबाली उसी में दूसरी बार भी चाय बनाते तो वो वहाँ पे अनहेल्दी हो जाता है, तो उससे फिर हेल्थ डिजीजेस हो सकते हैं, बॉडी डिजीजेस। इट कैन लीड टू कैंसर, कैन लीड मतलब होता ही ऐसा नहीं है पर कई बार हो सकता है। तो उसको ज़्यादा मतलब 2-3 बार एक ही पत्ती में चाय मत बनाइएगा। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना, वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये आ गई मेरी चाय, मैं हमेशा चाय को पीने से पहले स्मेल करता हूँ, यार मेरे घर वाले ना सब गरम गरम ही चाय पीते हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तब तक मैं ये चूड़ा खत्म करने वाला हूँ मेरा, फिर सेम टेस्ट लिया मैंने ग्रीन टी बिना ठंडी करके पी ली। एक और बात, अगर खाने से पहले हाथ धो के आना चाहिए तो जस्ट नहा के आया और खाने के लिए बैठ गया इसीलिए। और मेरा ट्राईपॉड तो मैं हमेशा सैनिटाइज करते रहता हूँ। अगर आपने सैनिटाइज आपको नहीं पता कैसे सैनिटाइज करते हैं कुछ नहीं, मेरे पुरानी वीडियोस देख लो यार, मेरी पिछली वीडियो देख लो, इज क्लीनिंग फन, क्लीनिंग इज फन कॉमा रियली क्वेश्चन मार्क मेरी वाली वीडियो देख लो जाके। मतलब लिटरली मैंने सोफा भी कैसे क्लीन करना है वो तक बताया है, जैसे जाके देखो मेरे चैनल पे। तो ठीक है, हाँ यार तो ये आगे लिख रहा है ना इसलिए बोलने के लिए भी प्रॉब्लम होती है मुझको। और क्या, हाँ हाथ धो अपने, सैनिटाइजर पास में रखो, सैनिटाइज करते रहो अपने हाथ टाइम टाइम पे, शेक हैंड नहीं करने किसी को भी, शेक हैंड नहीं करना, पास भी नहीं आना किसी के, घर वाले भी दोस्त रहो ना एटलीस्ट इतना, नहीं इतना 1 मीटर, 1 मीटर तो छोड़ो यार, आधा मीटर तक एटलीस्ट 4 फुट जगह छोड़ के रुक जाओ यार, ज़्यादा पास भी मत जाओ एक दूसरे के। ताली देने की वजह नमस्ते से काम निपटा लो। तो पता है यार सबको घर में रहना पड़ रहा है, मैं भी बोर हो रहा हूँ, आप भी बोर हो रहे हो, हम बना रहे ना वीडियो, घर के बाहर मत निकलो यार। अभी कुछ केसेस तो मैंने ऐसे देखे यार, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बंदे ने भाई गाड़ी चला दी पुलिस के ऊपर से। ऐसा मत करो यार, पहली बात तो आप घर से बाहर ही क्यों निकले, ऊपर से कर रहे हो तो यार सजा तो मिलनी है आपको। ऐसे पुलिस इतने काम कर रही है और आप ये कर रहे हो, पुलिस काम कर रही है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रही है, सारी सब लोग काम करने पे लगे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस घर बैठे हैं और एंजॉय करना है बस, और क्या काम है आप लोगों को, बस घर के बाहर मत निकलिए, इतना ही कहना है मुझको, और एंजॉय कीजिए यार मेरा वीडियो। तो क्या करें, मेरा तो यार आपके पास कितनी चीज़ें, आपके पास लैपटॉप हो सकती है, फ़ोन हो सकते हैं यार, बुक रीड करो, सोने से पहले बुक रीड करो यार, जैसे कि मैंने पहले व्लॉग्स में भी कहा है मेरे कि आप आपका एक रूटीन बना लो। भाई मेरे तो रूटीन उड़ गया सच में। तो फिर क्या, और
हाँ, तो आज का डिनर का प्लान है हक्का नूडल्स, जो कि मैं लाया था बाहर से, पर बनाऊंगा घर में। तो वो बनाते वक्त मिलते हैं यार, या फिर अभी बज रहे 5, रात को या शाम को मिलते हैं। बाय बाय।